वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर संशय है। वकीलों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के चलते आज सुनवाई को लेकर सस्पेंस बरकरार। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर उनसे आज की सुनवाई के लिए इजाजत मांगी है। चिट्ठी में कहा गया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण कोई कितना भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, मुकदमा हर कीमत पे अपनी मंजिल को पाएगा। विश्वास दिलाता हूं समाज को कि इस मुकदमे का निपटारा भी जल्दी से जल्दी होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने और वजू खाने से मछलियां हटाने की अर्जियां दायर हुई हैं। आज इन्हीं अर्जियों पर फैसला आना है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता सीता मंजू रेखा पाठक ने शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार को तोड़ने की मांग की है। पश्चिमी दीवार के पीछे की चट्टान और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की अपील की है। मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया वादी पक्ष की महिलाओं की उस अर्जी का वो विरोध करेगा। उनका कहना है जब तक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवापी में वजू खाने के अंदर से शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने फैसला न आने तक शिवलिंग की पूजा की मांग कर दी है तो उसको ऐसे बिना पूजित किए नहीं रखना चाहिए, ये महापाप और दोष लगता है। हमको काशी विश्वनाथ न्यास को मूर्ति दे दी जाए, हम उसकी विधिवत पूजन भोग राग आरती करते रहें। ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वजू खाने की तस्वीरें दिख रही हैं। वजू खाने के बीचों बीच एक गोल घेरा नजर आ रहा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वाराणसी कोर्ट में सरकारी वकील ने ज्ञानवापी केस पे एक और याचिका दाखिल कर दी है। नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। वजू खाना और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने पर बोले सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, कहा गलती उनकी नहीं थी, जानकारी किसी और ने लीक की। जो कैमरामैन अजय मिश्रा जी ने रखे थे उसमें से एक जो हेल्पर था वह कल की डेट में वो बाइट देना शुरू कर दिया, वो मिला जबकि ऐसी कोई बातें थी नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा है सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाए, देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा, 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, सर्वे गलत है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को लेकर राजस्थान के सीएम का बड़ा बयान, कहा रोज नए तमाशे शुरू हो रहे हैं। इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर क्या आप देख रहे हो, क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है देश में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इनविजिबल मित्र होते हैं उनके साथ। अखिलेश के बयान पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो बाबरी मस्जिद में और राम जन्मभूमि में जो विवाद हुआ था उसको आपको पता है, जिस प्रकार से यहाँ गोलियाँ चली थी वह स्थिति
यह अखिलेश जी न पैदा करें, वहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है तो शांतिपूर्वक होने दें। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज मथुरा कोर्ट में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर श्री कृष्ण जन्म के स्थान पर जलाभिषेक करने की इजाजत मांगी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को लेकर लॉ के साथ छात्राओं ने एक और अर्जी दाखिल कर दी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह हटाने की मांग है। 25 मई को होगी सुनवाई। गुजरात में विधानसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी। चिट्ठी लिखकर राम मंदिर और जीएसटी जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख पर नाराजगी जताई। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में जिस तरह से राम मंदिर, एनआरसी, अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पार्टी के रुख पर नाराजगी जताई, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं हार्दिक। बीजेपी के बड़े नेता का दावा, 2 हफ्ते में बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक। हार्दिक के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस ने कहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे पार्टी छोड़ते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। सीबीआई ने चिदंबरम के करीबी भास्कर रमन को देर रात चेन्नई से गिरफ्तार किया है। 50 लाख रुपए लेकर वीजा दिलवाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। इसी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को थाने सेशन कोर्ट ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2015 में गिरफ्तार इंद्राणी 6 साल से अधिक समय से जेल में थी। इंद्राणी ने दलील दी थी कि इसके जल्द निपटने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे आज। मुंबई पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग की है। राणा दंपति ने अपने खार वाले घर में अवैध निर्माण पर मिले बीएमसी के नोटिस का जवाब देने के लिए रविवार तक का समय मांगा। बीएमसी ने 7 दिन पहले अवैध निर्माण पर जवाब मांगा था जिसकी मियाद कल खत्म हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी के वकील ने कहा आईएस पूजा सिंघल 2010 से ही घूस की रकम ऊपर नेताओं और मंत्रियों तक पहुंचा रही थी, इसीलिए इस प्रकरण को सीबीआई जांच जरूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी सामने आया। हमले के बाद बाइक पर भागते दिखे आतंकवादी। हमले में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। बारामूला में हुए हमले के विरोध में जम्मू और राजौरी में प्रदर्शन। मृतक के परिवार ने इंसाफ मांगा है। परिवार को कंपेंसेशन तो दिए जाए, सरकार ने नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का जो पीछे परिवार छोड़ के गया होता है, नन्हे छोटे छोटे बच्चे, उनका वो पालन पोषण कर सके। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी के हमीरपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 597 बीघा जमीन को प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित कर जब्त किया। प्रशासन द्वारा आपकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।